कंसल्टेशन फॉर्म आएगा और जिसमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ दिया तो फॉर्म सबमिट होगा नहीं। अब ये इतना लंबा क्यों? क्योंकि भैया आपको जानेंगे तो सही ना, पता तो चले आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो उसके लिए आपको पूरा भरना पड़ेगा, आपको मतलब उस कस्टमर को। आपको इनको सेलिंग स्किल सिखानी है, आपको इनको प्रेजेंटेशन स्किल सिखानी है, आपको इनको मीटिंग लेने को सिखाना है, आपको इनको प्रोडक्ट का नॉलेज देना है, आपको लगातार उनको गोल सेटिंग कराना है, उनका गोल का सेट करना है, ये सारी चीजें तो पढ़ते ही रहना पड़ेगा। कोई मजबूरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये तो दिल पे हम ले रहे हैं क्योंकि हम एक लीडर है, हम एक लीडर है, हम साधारण इंसान नहीं है, असाधारण इंसान बनना है क्योंकि साधारण इंसान दूसरे साधारण इंसान को बना नहीं सकता, असाधारण इंसान ही दूसरे को दूसरा साधारण इंसान में जोश भर सकता है। तो तुम्हें असाधारण बनना है, असाधारण यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी एक्स्ट्रा तुम्हें करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। कब तक? कब तक? जब तक है जान। और अगर कुछ नया नहीं करने वाले हो, कुछ नया पढ़ने वाले नहीं हो, तो आज ही चले जाओ। क्योंकि वैसे भी तू कुछ करने वाला है नहीं। मार डालो, क्योंकि तुम्हारा पप्पा कुछ बड़ा काम करने वाला नहीं है और बड़ा कमा के तुम्हारे बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकता। मेरी बेटी आई थोड़े दिन पहले और कहा, पप्पा मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैं बोला क्यों? बोले ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना है। मतलब मम्मी से ले ले। थोड़ी देर पहले मेरी दूसरी बेटी आई, बोले मैं पप्पा इसलिए क्योंकि 15 साल का आपका तजुर्बा है, 15 साल आपने अगर पढ़ाई की होती और लगातार हर दिन 2 से 3 घंटे रियाज किया होता। जाकिर हुसैन कितना घंटा रियाज करता है? 5 घंटे। रियाज करना यानी कि धार लगाना खुद को। तुमने कब किया रियाज? अपने आप से पूछो। कल कितने देर तुम बैठे थे पढ़ाई करने के लिए? परसों के दिन तुमने कौन सी किताब खरीदी? आज से 4 दिन पहले कौन से ऑडियो तुमने खरीदा? 1,000, 2,000, 5,000 रुपया दे के परसों के दिन तुमने कौन सा खरीदा? आज से 1 महीना पहले 10,000 रुपये का कौन सा प्रोग्राम तुमने अटेंड किया? आज से 3 महीना पहले बोलने की कलाकारी के लिए रायपुर में बहुत सारे कोर्स है, बोलने की कलाकारी के लिए दिल्ली में कोर्स है, वेस्ट बंगाल में कोर्स है, तुमने साली कौन सी कोर्स की? 30,000 रुपया दे के अपनी बोलने की कलाकारी को इंप्रूव करने के लिए कौन सा कोर्स किया तुमने पिछले 6 महीने में?
किया तूने? नहीं, क्यों साला? बोलता समझ नहीं थी मैं। अभी आ गई, आ गई, मतलब मेरे इंतजार में था ये, कोई बात नहीं। कहानी है, इसे हम बहुत कम टाइम में एक्सप्लेन नहीं करते, एक डेढ़ घंटा लगेगा, ये अगली बार बात करें, अभी तो बैठ जा। को सिवाय खुद को, जिसके नाकाबिलियत के वजह से काम नहीं हो रहा है। Are you with me? मैंने अपने आप को काबिल नहीं बनाया, मेरे पास 100 आदमी है, मैं काम निकाल नहीं सकता, तो निकालने की जो कलाकारी है वो तो मुझे सीखना है। लेकिन मैं एक जमाने का टीचर या बैंकर था, तो मुझे तो सीखना है। अगर नहीं सीखोगे तो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। फिर वही स्टोरी सुनाओगे जो पुरानी घिसी पिटी, हर मीटिंग में जो डायलॉग मारते हो उसी को मारते रहोगे। अच्छा बोलने की कलाकारी नैसर्गिक नहीं है, इसे पालना पड़ता है। लगातार चैलेंज लेने की कलाकारी, लगातार चैलेंज लेने की कलाकारी नैसर्गिक नहीं है। मां के कोख से लगातार चैलेंज लेने की कलाकारी कोई भी आदमी सीख के नहीं आता। इसलिए कलाकारी इसी में है कि चैलेंज लेते रहो, 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 उम्र भर चैलेंज लेते रहो, रुकना नहीं है। यह नैसर्गिक नहीं है, इसे पालना पड़ता है, इस कलाकारी को। बोलना मुश्किल होता है, जनरली बहुत सारी बातें होती है करने की, पर कई बार बहुत सी चीज़ें होती है जो कम समय पे बोली ना जा सके। बस आज जो हमने टारगेट पूरे किए हैं, आज जो हमने सीखा है, ये ध्यान रखना है, अपने दायरे को खुद ही तोड़ना है, खुद अपने दायरे को बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। इस बार जब हम भिलवाड़ा पहुँचे, जब हम कहीं पे भी और मीटिंग में जाएं, तो एक नए लेवल के साथ जाएं, ये बात हमें अपने मन में रखनी चाहिए और आगे उसके साथ ही काम करना चाहिए, उस बात को ठान कर। धन्यवाद। इस मीटिंग में कि अपनी वैल्यू हमेशा ना जीरो रखना है, जीरो, क्योंकि कोई उसे घटा नहीं सकता, लेकिन अगर किसी के बाजू में खड़े हो जाए ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। थैंक यू। मैं पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से अरविंद सर का, मनीषा मैम का और मिलिंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रायपुर को चुना ऐसे कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रायपुर को थोड़ा प्यार ज़्यादा ही मिलता है न्यूट्री चार्ज का। अब इसका रीज़न क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो आज संतोष नायर जी ने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस आज हमने जो दिखाई ये बढ़ती रहेगी, तो ऐसा लगता है प्यार थोड़ा और ज़्यादा बढ़ते रहेगा। तो ये बढ़ना जरूरी है। और जो आज सबसे लास्ट में बैठे हैं ना, भले 50 लोग या 100 लोग बैठे हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं क्योंकि आप लीडर हैं। जो इस बिजनेस में आते हैं बहुत सारे लोग हैं, इस बिजनेस में आते हैं बहुत सारे लोग हैं, जो लास्ट तक टिका रहता है वही नोट कमाता है, वही आगे जाता है। तो न्यूट्री चार्ज को लेकर आज कुछ स्पेशल प्लानिंग करनी है। मेरा एक पर्सनल कमिटमेंट है कि न्यूट्री चार्ज की तरफ से भविष्य में कोई भी चीज़, चाहे वो कंसिस्टेंसी प्लान हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ये जो टीम यहाँ बैठी है सर, ये भारत में नंबर वन करके ही रहेगी। संतोष जेयर से जगदलपुर कोरबा, इस तरीके से 25-50 लोगों के बीच में ये प्रोग्राम करते थे जब शुरुआत हुई थी, और आज ये दौर है कि आज हम इतने लोगों के बीच में ये प्रोग्राम हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार न्यूट्री चार्ज टीम की मेहनत है और ये आरसीएम की मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से वेलनेस इंडस्ट्री में 74% का ग्रोथ है यदि, और उसमें हमारा नंबर यदि 20% में आता है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस तरीके से प्रोग्राम और ये टारगेट समय मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें हम ग्रोथ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा जोरदार तालियां न्यूट्री चार्ज के लिए, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं था। और इतनी आसानी से, पता नहीं कोई विशेष बोलते ना कृपा है रायपुर की धरती को, कि हमेशा न्यूट्री चार्ज का जो बड़ा प्रोग्राम बड़ी सिटीज में होता है वो रायपुर में जरूर होता है। यस। तो
तो इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें एक कदम और ज्यादा अपने आप को पुश देना है, और ज्यादा मेहनत करनी है, रिजल्ट्स ज्यादा बढ़ाने हैं, ताकि न्यूट्रीचार्ज ये जो हमें दे रहा है गिफ्ट, ये बरकरार रखे अपने गिफ्ट्स। देखिए, मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम के बाद हम सभी के पास कोई शब्द नहीं है, हम सभी गहन चिंतन में डूबे हैं, कहीं ना कहीं अक्रेसिया को ढूंढ रहे हैं। सो वो मिल जाएगी तो अगली बार जब न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम होगा तो वहां पर नहीं बल्कि यहाँ पर एक बड़े अचीवमेंट के साथ खड़े होंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।